हेट स्पीच के मामले में गांधी वाड्रा परिवार ही नहीं बल्कि सीएए के खिलाफ उकसाने वाली गतिविधियों में शामिल आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, स्वरा भास्कर जैसे लोग भी नपेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने याचिका दाखिल कर सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मांदर, आरजे सायमा, स्वरा भास्कर, आप नेता अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसके अलावा याचिका में हिंसा की जांच एनआईए से कराए जाने की भी मांग की गई है। इस याचिका पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हिंदू सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान के खिलाफ कथित भड़काऊ बयानबाजी के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के खिलाफ भी भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा है और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ही भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो गई थी जो कि चुनाव के बाद भी बदस्तूर जारी रही। बीते दिनों जाफराबाद मौजपुर इलाके में सीएए के विरोध और कथित सीएए समर्थक आमने सामने आ गए जिसके बाद हिंसा भड़क गई। दिल्ली में भड़की हिंसा के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई है। पुलिस ने दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है।